नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और रिपोर्ट सर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं कामधानी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर के चोमू से, जहां पर चोर एक मोबाइल की दुकान के शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर ले गए। चोरों ने चोरी की घटना को थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही अंजाम दिया। चोरी की घटना का दुकान मालिक को तब पता चला जब सुबह दुकान मालिक ने दुकान का शटर खोला, उनमें से मोबाइल पार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के आसिन में ईरान ग्राम में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की ओर से दीपावली के मौके पर पशुपालकों को दर अंतर राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर व्यवस्थापक ईरान डेयरी के नंदराम जाट ने कहा कि सभी दूधदाता किसानों को पिछले एक वर्ष में प्रति लीटर के 70 पैसे से बोनस वितरण किया गया है। सीकर के खंडेला में गांव गढ़ भोपची में विद्युत विभाग की लापरवाही से पानी भरते समय दीवारों में 11,000 वोल्टेज आने से करंट लगने के दौरान मौत हो गई। मृतका मनीषा देवी सुबह अपने घर पर पानी भर रही थी, इस दौरान सिंगल फेज ट्रांसफर में अर्थ फेल होने से LT लाइनों में 11,000 का करंट फैल गया, जिससे कि कई घरों में करंट के कारण विद्युत उपकरण भी जलकर खाक हो गए। युवती को करंट लगने के बाद CSC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। सीकर के खंडेला में कोटड़ी लुहारवास बस स्टैंड से रात को दुकान बंद कर अपने गाँव नाहरवाड़ी जा रहे एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में काम में ली गई मोटरसाइकिल और लोडेड पिस्टल भी बरामद की। पुलिस जांच के दौरान मिले साक्ष्य मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वारदात करना कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों ने दीपावली पर खरीदारी के लिए रुपए लूटने के लिए व्यापारी का पीछा किया था। पाली की देसुरी में नामो माताजी मंदिर प्रांगण में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक एकीकृत जिला अध्यक्ष जयनारायण कड़ेचा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान देसुरी ब्लॉक से राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष पद पर जेठू सिंह चंपावत, महामंत्री पद पर मोहम्मद शावी पठान एवं संरक्षक पद पर राजेश तवे को मनोनीत किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में सुरपुरा देशों के बीच मालगाड़ी का पावर फेल हो गया, जिसके कारण रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। मेड़ता रोड में करीब 8 ट्रेनें देरी से पहुंची, इस कारण सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों की जानकारी के अनुसार सुरपुरा की ओर से पैसेंजर ट्रेन का इंजन लेने जा रहा था, तभी दोनों इंजन टकरा गए, जिसमें एक ड्राइवर घायल भी हुआ था। मालगाड़ी का इंजन फेल हो गया, दूसरा इंजन लगा रहे थे, इसी दौरान दूसरे इंजन ने धक्का मारा, जिससे कि इंजन पटरी से उतर गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में जैसलमेर बाड़मेर NH 68 पर जो सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं, वो गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं। बोर्ड में जो काम दर्शाए गए हैं, वो गलत दिशा में दर्शाए गए हैं, जिससे कि अनजान वाहन चालक बोर्ड पर नाम देखकर कई किलोमीटर दूर तक चलने के बाद उन्हें गलत दिशा में घुस जाने की जानकारी मिल पाती है। भरतपुर के बैर में नया बस स्टैंड से कोटा पट्टी नयाबास में निर्माणाधीन शहरी गौरव पथ का सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण कर नमूने लिए गए, समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया था। वहीं ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाने और निर्धारित मापदंडों के अनुसार सड़क नहीं बनाने का आरोप लगाया था। जैसलमेर के फतेहगढ़ में ग्राम पंचायत लखा में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं लखा में PHC खोलने, खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी का पैसा विकास फंड में नहीं दिया जाना, लखा से भाड़ली सड़क मार्ग में डामरीकरण की मांग, लखा ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। भरतपुर के डीग में पुलिस 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई में पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। NCR क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद कार्रवाई से पटाखा व्यवसायियों पर दोहरी मार पड़ी है। पुलिस लोहा मंडी चौराहा स्थित और कामा बाईपास स्थित गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए। अलवर के गोविंदगढ़ में आयुर्वेद विभाग और जन कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में CHC में धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर पवन शेखावत ने बताया कि आयुर्वेद से न केवल उपचार होता है, बल्कि ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है, जिससे कि जीवन लंबा और खुशहाल होता है। भरतपुर के रूपवास में ग्राम पंचायत चैकोरा के गांव सिंघावाली में अज्ञात कारणों से लगी आग के कारण 2 छप्परपोष मकान और गोतवाड़ों में रखा करीब 2 लाख रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग में ईंधन और भूसा भी जलकर राख हो गया। वही घटना की सूचना पर करीब 3 घंटे बाद भरतपुर से दमकल गाड़ी आई। चारों की चितलवाना में पुलिस थाना चितलवाना झाब और सरवाना में पुलिसकर्मियों का मैस बहिष्कार जारी है।
समर्थन में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से वेतन कटौती वापस लेने सहित मांग पत्र निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नाम उपखंड क्षेत्र के समस्त थाना के थानाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। जालौर की चितवाना में रडोदर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भाजपा मंडल द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया। प्रथम स्थान पर बूथ नंबर 158 पुराना गांव रणोदर व द्वितीय स्थान पर बूथ 157 नायु की ढाणी रणोदर रही, विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। कोटा के इटावा के अम्बेडकर सर्किल पर 2 दर्जन से अधिक किसानों ने ट्रॉलियां खड़ी कर जाम लगा दिया। किसानों ने यहां पर उड़द के सरकारी खरीद केंद्र पर अनियमितता बरते जाने के आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। थानाधिकारी संजय रावल मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश की। हनुमानगढ़ के टिब्बी में किशोर और किशोरी के नहर में कूदने की आशंका पर नहर में की गई तलाशी पर 2 दिन पहले किशोरी का शव मिला था, लेकिन मामले में 2 दिनों बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं लगा। भरतपुर के रूपवास में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैंडस्टोन से भरे 5 ट्रैक्टर्स को पकड़ लिया। पुलिस कार्रवाई को देखकर 1 ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि 4 ट्रैक्टर चालकों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। भरतपुर के डीग में आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी प्रताप सिंह मेहरावर ने कई स्थानों पर व्यापक जनसंपर्क कर कांग्रेस भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया। साथ ही प्रत्याशी प्रताप सिंह ने देश में गरीब व्यक्ति को हो रही असमानताओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। झुंझुनू के मंडावा के थाना परिसर में डिप्टी आहत खान की अध्यक्षता में सीएलजी व शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान खान ने कहा कि क्षेत्र में शांति एवं सद्भावना के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएं, वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग होना भी आवश्यक है। झालावाड़ के खानपुर में देर रात पटाखा बाजार में आग लगने से मौके पर मौजूद अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया गया, इससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं सूचना मिलने पर SDM बिंजोरा विश्नोई ने मौके पर पहुंचकर आतिशबाजी मार्केट का जायजा लिया, साथ ही मौजूद 28 दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर के शेरगढ़ में धनतेरस के अवसर पर भगवान धनवंतरी जयंती समूचे शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र में परंपरा अनुसार मनाई गई। इस दिन शेरगढ़ कस्बे में बाजार खिला हुआ नजर आया। बर्तन इलेक्ट्रिकल व्यवस्था आदि की दुकानों पर मेले सा माहौल रहा, वहीं रोशनी के लिए ग्रामीणों ने मिट्टी के दीपक खरीद रहे थे, वहीं मिष्ठान की दुकानों पर भी भीड़ नजर आई। बाड़मेर के बालोतरा में नगर परिषद के तथा कथित स्वच्छता निरीक्षक को 5,000 की रिश्वत राशि नहीं दी तो उसने एक निजी टैक्सी चालक के साथ गाली गलौज कर धक्का मुक्की भी। पीड़ित ने थाना अधिकारी को रिपोर्ट में बताया कि तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने प्राइवेट कार टैक्सी वालों को लूनी नदी किनारे रपट की तरफ टैक्सियां खड़ी करने की जगह मौखिक रूप से दी है। इसी दौरान टैक्सी संघ अध्यक्ष हनुमान राम भी पहुंचे और पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। रफीक ने JCB बुलवाकर दीवार को तोड़वा दिया। पाली के सोजत सिटी में चोपड़ा गांव के बस स्टैंड पर खड़ी कार पर चारे से भरी ट्रॉली गिर गई। इस दौरान गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद लोगों ने चारा हटाकर कार को निकाला। हादसे की वजह से कुछ समय के लिए रास्ता भी जाम हो गया था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री शेषावतार कल्ला जी वेदपीठ पर धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में ठाकुर जी का धन्वंतरी देव के रूप में श्रृंगार किया गया। साथ ही आयुर्वेद विभाग के वैद्यों न्यासियों एवं कल्याण भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना कर सर्वत्र आरोग्य एवं सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर ठाकुर जी का धन्वंतरी स्वरूप देखकर कई लोगों ने दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। जोधपुर के शेरगढ़ में फलौदी रोड फाटा स्थित शहीद स्मारक पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड इलाके के 55 शहीद परिवारों का शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। इस दौरान दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी व रोशनी की गई और सामग्री और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने मिठाइयां वितरण करके दीपावली की खुशियां बांटी। इस दौरान शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर ने कहा कि सैनिकों के बच्चों के पढ़ने के लिए शेरगढ़ सेखाला व कोई गांव में केंद्रीय विद्यालय और शेरगढ़ में सेना भर्ती केंद्र खुलवाया जाएगा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सर्दी की आहट के साथ ही चोर सक्रिय हो गए, वहीं चोरों ने हाथ साफ करते हुए 200 पाइप चोरी कर लिए और चोरी किए गए पाइप पेयजल लाइन के बताए जा रहे थे। भरतपुर की पहाड़ी में वेतन कटौती रोकने सहित अन्य मांगों को लेकर पुलिस कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है। वहीं आक्रोशित पुलिस कर्मचारियों ने मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विरोध कई दिनों से चल रहा है। भरतपुर के नदवई में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रवक्ताओं ने जिले में चल रही दीनदयाल कबड्डी प्रतियोगिता के सफल होने पर बूथ स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही मुख्य अतिथि ने इस दौरान जनसुनवाई भी की, जिसके बाद लोगों की समस्याएं सुनकर जल्द ही निस्तारण करने का भरोसा दिया गया।
नागौर के लाडू में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ने काम करना बंद कर दिया है। कुचामन सिटी में सबसे पहले सामाजिक संस्थाओं और दानदाताओं के सहयोग से शहर के सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे ताकि पुलिस को अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिल सके और अपराधियों पर नजर रखी जा सके, लेकिन थोड़े दिन बाद ही कैमरे जवाब दे गए। वहीं इलाके के सीएलजी मेंबर सहित आमजन भी पुलिस को कैमरे दुरुस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। करौली के डोडा भीम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद दुकानदार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। यहां पर प्रशासन की मिलीभगत से पटाखे बिक रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। करौली के इंडौन सिटी में आरसीएच निदेशक एस एन मित्तल ने राजकीय अस्पताल में मातृ व शिशु इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान मित्तल ने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने करौली से ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों द्वारा 2 दिन सेवा देने का आदेश जारी किया। करौली के टोड़ा भीम में धनतेरस पर कस्बे के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बाजारों में दिन भर रौनक देखी गई। वहीं बर्तनों और सोने चांदी की दुकानों पर दिन भर खरीदारों का तांता लगा रहा। साथ ही बाइक मोबाइल शोरूम में भी काफी भीड़ देखने को मिली। डूंगरपुर के जौथरी में मिट्टी के दियों की रोशनी की जगमगाहट से गांव रोशन हो गए। वे बीती रात्रि को धनतेरस पर गांव में पारंपरिक मिट्टी के दियों से रोशनी की गई। दियों की जगमगाहट से गांव रोशन हो उठा। 12 के अंत में दीपावली सीजन के चलते हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। वहीं रोटरी क्लब इनहर व्हील क्लब करीब झुग्गी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों के बच्चों को खुशियां बांटने में लगा है। इसी के तहत इनहर व्हील के अध्यक्ष अंजुम खान ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर बच्चों को मिठाइयां और पटाखे वितरित किए। धौलपुर के राजूखेड़ा में पालिका की सफाई व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है। यहां पर कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। यहां पर दिवाली के मौके पर भी सफाई नहीं करने से कस्बे के लोगों में रोष व्याप्त है। सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। हनुमानगढ़ के संगरिया में बीएससी शिक्षण संस्थान के लिटिल हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने दीपावली महोत्सव मनाया। इसमें विद्यार्थियों ने दीपावली पर प्रदूषण करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। महोत्सव के दौरान अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई। चलिए खबर पंचायत में यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।